मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस सुंदर सुबह के लिए। उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, उसको आदर दें, उसको सम्मान दें। हालेलुया। तो आइए हम एक वचन आपके सामने पढ़ता हूँ। हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हे शमौन, देख शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यदि आप परेशान हैं तो घबराएं ना, परमेश्वर पर भरोसा रखें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आपकी परीक्षा हो सकता है आप जाने अनजाने में कुछ आपसे ऐसे कार्य हो गए हों जो आप परीक्षा में पड़ गए हों, क्योंकि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। हालेलुया। जब हम अय्यूब के जीवन से देखते हैं, शैतान ने उसे परमेश्वर से मांग लिया था कि वह उसे ताड़ना दे और उसकी वो निंदा करे। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन अय्यूब को हम देखते हैं, वो विश्वास में बना रहा, उसका घर द्वार सब चला गया, जहाँ तक उसकी बीवी भी उसको छोड़ के चली गई। लेकिन प्रिय भाई बहनों, पर उसने एक ही बात बोली, जब मैं परमेश्वर के हाथ से सुख ले सकता हूँ, क्या दुख ना लूँ। हालेलुया। वो विश्वास में बना रहा और दृढ़ रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब वह पुस्तक पढ़ते हैं तो देखते हैं जो कुछ भी उसने खोया था, परमेश्वर ने उसको सेत में वापस लौटाया। हालेलुया। तो आज की सुबह परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर आपको ये भरोसा दिलाता है, उस पर भरोसा रखें। हालेलुया। उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, क्योंकि वही मेरे प्रिय भाई बहनों घटाने वाला है, वही बढ़ाने वाला है, वही हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम उस पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता 91 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते जाते हैं तो बहुत सी आयतें पढ़ते हुए तब हमें वचन मिलता है, मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा, तूने जो मुझसे विश्वास किया है, मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर महान है, और यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो हमारे जीवन में कार्य करता है। और कोई भी बाप मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने बेटा बेटी को दुखी देखे, अपने बेटा बेटी को पीड़ित देखे। तो परमेश्वर के भय में जीवन बिताएं। यदि परमेश्वर की इच्छा है तो आपके काम जरूर सफल होंगे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, जब वो क्रूस पे जो लोग उन्हें पकड़ने आ रहे थे, तो उन्होंने कहा, यदि हो सके प्रभु तो ये कटोरा हमसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तो उसकी जो इच्छा होगी वो आपको उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, तुम्हारे विषय में जो मैं कल्पनाएं करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो विश्वास में दृढ़ रहिए, विश्वास में मजबूत रहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा छिपने का स्थान है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, वह हमारी चट्टान है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं।
हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपने मुझे इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हिम्मत दी, बल दी कि आप मेरे साथ हो। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने मुझे रात भर संभाल के रखा प्रभु जी, एक अच्छी नींद दी पिता परमेश्वर। हर एक उन रोगों से, हर एक उन बीमारियों से प्रभु जी आपने मुझे सुरक्षित रखा प्रभु जी। एक हमें नई सुबह दी मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है, हे समोन देख, शैतान ने तुझे तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फड़के, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों को छू मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें मजबूत कर, दृढ़ कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो विश्वास करें प्रभु जी, आप पर भरोसा रखें, क्योंकि आप हर एक संकट को मिटाने वाले परमेश्वर, आप हर एक दुर्बलता को दूर करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आपकी कल्पना अद्भुत है मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा बड़ाई करते हैं, हालेलुया प्रभु जी, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी आपका सुसमाचार हर एक जन तक मेरे पिता परमेश्वर पहुंचाते हैं प्रभु जी, हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके राज्य में लाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनकी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी जिस नगर जिस क्षेत्र में जाएं प्रभु जी, उस नगर उस क्षेत्र में आपकी इच्छा पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी जो व्यक्ति पिता परमेश्वर पीड़ित है मेरे पिता परमेश्वर, बीमार है मेरे पिता परमेश्वर, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपका वचन कहता है धर्म का सूर्य उदय होगा और तू उसकी किरणों से शुद्ध हो जाएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से उन्हें चंगाई देते हैं प्रभु जी, छुटकारा देते हैं हर एक बीमारी से प्रभु जी, हर एक उन परिस्थितियों से प्रभु जी, आप उन्हें बाहर निकालें यीशु के नाम से प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक उन उपद्रवी मनुष्य से प्रभु जी मेरी रक्षा करना पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे बोल चाल से, उठने बैठने से प्रभु जी, मेरे रहन सहन से किसी को ठेस ना लगे प्रभु जी, ना हम किसी का ठेस का कारण बने प्रभु जी, मेरी मदद और सहायता करें यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।